बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, इकोनोमेट्रिक्स, चैप्टर 16, पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल्स। This is chapter title. In introduction of this chapter, what is panel data? The combination of cross-sectional and time series data. The combination of both time series and cross-sectional data make the panel data. Now, for the panel data, different regression models. अब इसी पैनल डेटा के लिए हमारे डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल होते हैं। अब फिर पैनल डेटा जो कम्बिनेशन है किस चीज़ के टू का, कि टाइम सीरीज होगा एंड सेकंड क्या, क्रॉस सेक्शनल जो डेटा है, इन दोनों की कम्बिनेशन। अब इन दोनों की कम्बिनेशन से फिर हमारे पास दो और आइडिया आते हैं। एक को कहा जाता है माइक्रो पैनल डेटा, द सेकंड वन कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल पैनल डेटा। अब दो दो तरह की का डेटा है। और पैनल डेटा में जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, अबाउ में लिखा गया कि क्रॉस सेक्शनल वैल्यू डेटा भी होगा और पैनल डेटा होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ आइडिया दिया गया था कि हमारे पास थ्री टाइप का डेटा है। वो थ्री टाइप कौन सा है, टाइम सीरीज है, क्रॉस सेक्शनल है एंड द थर्ड वन पैनल है। पैनल क्या, टाइम सीरीज डिपेंड करता है टाइम पे और उसमें वन आर मोर वेरिएबल होते हैं, डिपेंड करता है टाइम पे। इसी तरह हमारे पास क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, टाइम उसमें एक ही होता है और हमारे पास वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या इट्स सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी तरह हम उसमें क्या होते हैं कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पीपल और कंट्रीज हम इंक्लूड करते हैं। लाइक उन्होंने जिक्र किया था इन फर्स्ट चैप्टर के 50 स्टेट हमने लिए क्राइम रेट के लिए, तो एक ही साल के लिए वो डिफरेंट, इसको क्या, वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल बन जाता है। इन दोनों को क्रॉस सेक्शनल और पैनल को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल प्लस टाइम सीरीज को, तो पैनल बन जाता है। तो इसके लिए अगर जो सर्वे होता है ईयरली, तो हमारे पास वो ईयरली जो सर्वे होते हैं तो वो हमारे पास क्या, पैनल डेटा बन जाता है, पैनल डेटा बनता है। अब पैनल डेटा टू टाइप में डिवाइड होता है, एक माइक्रो डेटा, माइक्रो पैनल डेटा एंड द सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि जो है कम्बिनेशन ऑफ टू का, अब इसमें फिर क्या होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल कि टाइम ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन कम होंगे। लाइक फॉर लाइक ए बी एंड सी, सी कंट्रीज़ हैं और टाइम क्या है 1990 से लेके 2001 तक, तो इट्स मीन कि इसमें ज़्यादा टाइम है, टाइम इफेक्ट है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। सेकंड क्या हमारे पास कि माइक्रो डेटा कौन सा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी एन डी ई एफ, और हमारे पास जो टाइम है, टाइम क्या है, वो सिर्फ हमारे पास 2000 एंड 2001। तो अब इसमें ज़्यादातर इफेक्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल है, तो क्रॉस सेक्शनल में जिसमें ज़्यादा इफेक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो माइक्रो पैनल डेटा बनेगा। और जबकि हमारे पास ज़्यादातर टाइम इफेक्ट हो, टाइम इफेक्ट लाइक 1990 से लेकर 2001, तो वो क्या होगा, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डेटा होगा। अब फिर या लॉन्गिट्यूडनल है या माइक्रो पैनल डेटा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है, जो भी डेटा हो, इन डेटा के लिए हमारे पास क्या ज़रूरत है, पैनल डेटा
रिग्रेशन मॉडल, तो इनके लिए हमारे पास फिर रिग्रेशन मॉडल होने चाहिए कि आया ये माइक्रो पैनल डेटा है या लॉन्गिट्यूडनल पैनल डेटा है। अब पैनल डेटा अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के कि हम फिर ये पैनल डेटा कहाँ से हमें मिलेगा, फिर उसके बाद रिग्रेशन मॉडल के जिक्र करेंगे कि पैनल डेटा मिलेगा कहाँ से। इन्होंने जिक्र किया हुआ है PSID, PSID एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जो इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट का सोशल रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का है, जो पैनल डेटा ऑफ इनकम डायनामिक पैनल पैनल डेटा पैनल स्टडी ऑफ इनकम डायनामिक्स। ये क्या, ये एक हम इधर से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या, ये एक किसी और कंट्री के लिए है, लेकिन अगर इसी तरह इन्होंने रिसर्च किया हुआ है सोशल एंड सोशो इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल इसके थ्रू, इसी तरह ब्यूरो ऑफ सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वो भी हमारे पास है, जिसको कहा जाता है सर्वे ऑफ इनकम एंड प्रोग्राम पार्टिसिपेशन। सेकंड वन क्या है हमारे पास, SIPP, लेकिन ये क्या, ये किसी और कंट्रीज़ के लिए है। इसमें हम हमारे पास इकोनॉमिक्स कंडीशन के बारे में इंटरव्यू की जाती है। इसी तरह फिर हमारे पास द थर्ड वन क्या है, GESOEP, जर्मन सोशो इकोनॉमिक्स पैनल स्टडीज़, तो उसमें भी इन्होंने इंडिविजुअल की क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कहाँ से 1984 एंड 2002। लेकिन ये क्या, ये जर्मनी जर्मन के लिए है। अब अगर हम बाकी, इन्होंने जिक्र किया है हाउस होल्ड इनकम एंड डायनामिक इन ऑस्ट्रेलिया सर्वे। अब इसी तरह फिर हमारे जो अपने जिस तरह वेबसाइट हैं कि डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे पैनल डेटा, तो वो हमारे पास HIES हाइस, एक दूसरा इकोनॉमिक्स सर्वे